देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। रायपुर शहर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस है, मगर इसके बाद भी एक लुटेरा दिन के उजाले में कांड करके भाग गया। SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर आरोपी ने कैश लूटा और केंद्र के मालिक का सिर हथौड़ा मारकर फोड़ दिया। अब शहर के गंज थाने की पुलिस इसे ढूंढ रही है। ये कांड फाफाडी चौक स्थित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में हुआ। इसके मालिक याला प्रकाश पर हमला हुआ है। हमला किसने किया ये साफ नहीं हो सका है। एक अनजान शख्स CCTV कैमरे में जरूर कैद हुआ है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। घटना मंगलवार शाम की है। लुटेरा याला की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचा था। याला SBI के ग्राहकों के पैसे ट्रांसफर करने का काम किया करता था। यहाँ फोटोकॉपी और स्टेशनरी से जुड़ा काम भी किया करता था। ग्राहक बनकर आई लुटेरे ने पहले तो फोटोकॉपी करवाई, इसके बाद अपने बैग से हथौड़ा निकालकर 3 बार जोर जोर से याला के सिर पर दे मारा। याला वहीं बेहोश हो गया और लुटेरा कैश लेकर भाग गया। कुछ देर बाद पड़ोस के दुकानदारों की नजर पड़ी तो उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों को खबर दी गई। खबर पाकर याला का भाई रेलवे कर्मी बायराज अस्पताल पहुंचा। उसने बताया कि याला बात कर पाने की हालत में नहीं है, उसके सिर पर गंभीर चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। दुकान से कितना कैश लूटा गया है वही बता पाएगा। हमने पुलिस को खबर दी है। अब गंजथाने की पुलिस ने इस मामले में अनजान शख्स के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया है। रिपोर्ट खटपट न्यूज़।